ये तुम्हारा घर है। ना मैं अच्छा बेटा बन सका और ना ही अच्छा शोहर साबित हुआ, लेकिन अच्छा बाप बनना चाहता हूँ। मैंने अपना शोहर खो दिया था, लेकिन मुझे मेरी बेटी का बाप मिल गया। तुम्हारे साथ रहूंगा। नौशीन को बता के आएंगे? तुम बात बात पर नौशीन को हमेशा क्यों ले आती? क्योंकि वो हमारे बीच में है। वह लाहौर आ गए। कहाँ हैं आप? तुम लाहौर में क्या कर रही हो? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इस्लामाबाद हूँ। आज तक मेरे डैडी ने भी मुझे इस लहजे में बात नहीं की। I am your bloody husband. शर्म आती है मुझे आपको अपना हस्बैंड कहते हुए। अब हाँ तो जाओ यहाँ से। बिल्कुल ठीक था आपने। जी जी। पापा अब बातें बात करते हैं। जी बेटा क्या बात है? पापा वो दानियल अभी तक घर नहीं आए। तूने से कॉल की? मुसलसल कॉल कर रही हूँ मैं, वो तो फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। कहाँ जा सकता है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि वो कहाँ जा सकते हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं किया कि वो कॉल ना रिसीव करें। फोन तो वो हर हालत में मेरा उठाते हैं। बेटा हो सकता है कार ड्राइव कर रहा हो, आ जाएगा। नहीं पापा कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा तुम परेशान हो, जाओ अपने कमरे में, मैं उसके दोस्त को कॉल कर पूछता हूँ क्या बोल रहा है। शाबाश। दानियल कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं। आशा तुम्हें पता है इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? क्या करूं? तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो इसमें नौशीन की कितनी मिस कॉल्स आई हुई हैं। काश जितनी फिक्र आपको नौशीन की है कभी मेरी भी हो जाती। देखो इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। वो तो नजर आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। खाना लगाऊं? नहीं मुझे भूख नहीं है। आप ऐसे नहीं जा सकते, मैंने आपके लिए खाना बनाया, खाना खा के जाइएगा। आयशा मैं लेट हो रहा हूँ। दानियाल मैंने कहा आप खाना खा के जाएंगे, समझे आप? अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज जल्दी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आप मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे और कहाँ थे आप? घर आ गया हूँ ना, बस काफी है। दानियाल आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे पूरा राइट है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं कि आप कहां थे और किसके साथ थे। किस टोन में बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं अपना हक जता रही हूं दानियाल। जब तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है तो कुछ भी बताने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये ट्रस्ट आपने खुद खत्म किया है और इसकी रीजन तुम खुद हो। एंड आई मीन इट। अगर आप नहीं बता सकते तो मैं नौशीन को जाके सब कुछ बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी शरीके हयात हूं। हाँ हो तो नौशीन प्लीज ट्राई कम बेस्ट। नौशीन लिसन टू मी। मैं तो बुरी तरह फंस चुका हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक तरफ नौशीन है जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं और दूसरी तरफ आयशा। अगर नौशीन को मेरी सच्चाई पता लग गई तो मैं फिर से जीरो पे आ जाऊंगा। ये डेसिग्नेशन, ये घर बार, स्टेटस, सब कुछ एक पल में खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग तो शादियां तो करते हैं ना, मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं, नौशीन को मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने दूंगा। मुझे आयशा से बात करनी पड़ेगी,
इस मसले का परमानेंट हल ढूंढना पड़ेगा, कहीं इससे पहले आयशा कोई कदम उठा ले और मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाए। रजा को बहुत तेज बुखार हो रहा है। अरे तो उसे करीब के क्लिनिक पे दिखा दो ना चेकअप के लिए। बल्कि कुछ पैसे ही रख लो। पैसे हैं मेरे पास। रख लो, काम आएंगे। और परेशान मत हो, छोटे बच्चे इस तरह बीमार हो जाते हैं। मैं जा रही थी कि आप भी हॉस्पिटल साथ चलते। आयशा Try to understand. मेरी मजबूरी है ना? जी। अच्छा मैं चलता हूँ। कोई भी बात हो मुझे कॉल कर देना। लेकिन लेकिन क्या? नहीं कुछ नहीं, परेशान मत होना। खुदा हाफिज़। नौशीन ये लो, तुम्हारे फेवरेट राइटर की बुक्स। थैंक यू। ये आपने कहाँ से खरीदी? वहीं गुलशन की तरफ से। तुम्हें पता है ना वहाँ पार्किंग का कितना मसला है, तो बड़ी मुश्किल से एक अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी खड़ी की और फिर तुम्हारे लिए बुक्स लेने गया। अच्छा, तो आप मेरे लिए बुक लाने के लिए पैदल गए? तो क्या मैं तुम्हारे लिए पैदल नहीं जा सकता? नहीं नहीं, आप चल तो सकते हैं, लेकिन एनीवेज थैंक यू सो मच। बाय द वे, आपको कैसे पता चला कि मेरे फेवरेट राइटर हैं? क्योंकि तुम्हारे कलेक्शन से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। इस राइटर की बुक्स हमारे पास सबसे ज्यादा है ना? तो ये बात है। तो तुम्हें बुक्स पसंद आई? बहुत ज्यादा। ग्रेट, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम चाय पीते। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस वक्त फोन मत किया करो। दानियाल, फिजा को बहुत तेज बुखार हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना है उसे।
तुमने डॉक्टर को दिखाया था? दिखाया था, लेकिन दवा से कोई अफाका नहीं हुआ। प्लीज जल्दी आ जाए, इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। आशा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इस वक्त नहीं आ सकता। आपकी बेटी बुखार में फूंक रही है और आप मुझे बता रहे हैं कि आप नहीं आ सकते? जब तुम सब कुछ जानती हो तो फिर क्यों बहस कर रही हो? बहस नहीं कर रही दानियाल, इन्फॉर्म कर रही हूँ आपको। क्या चाह रही हो? मैं सब कुछ छोड़कर आ जाऊँ? इस वक्त मैं और क्या चाह सकती हूँ। जल्दी घर आए और फिजा को हॉस्पिटल लेके चले। मुझसे पहले कैसे लेकर जाती थी फिजा को? मैं पहले क्या करती थी क्या नहीं करती थी, इन बातों को छोड़े आप। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ फिर, लेकिन दोबारा फोन मत करना प्लीज। जल्दी आए। दानियाल, आप कहाँ जा रहे हो? एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? मैं खाने पे आपका वेट कर रही हूँ और आप कहीं जा रहे हैं? नौशीन, एक दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाना है, वहीं जा रहा हूँ मैं। दोस्त? कौन सा दोस्त? है एक दोस्त, तुम नहीं जानते। ऐसा कौन सा दोस्त है वो आपका जिसे मैं नहीं जानती? मैं तो आपके सारे दोस्तों को जानती हूँ। नौशीन, मैंने कहा ना, एक है दोस्त मेरा, मैं वापस आकर बताता हूँ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। क्यों? तो तुम क्या चाहती हो, कि मैं यहीं पर रुक जाऊं? आपका मूड इतना खराब क्यों हो रहा है? खराब नहीं होगा तो क्या अच्छा होगा? किस किस्म की बातें करती हो तुम? अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बातें करना छोड़ दूं, तो मुझे मेरा हक दे दे। तुम क्या चाहती हो, कि मैं अपने हाथों से सब बर्बाद कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर साफ साफ कहें, आपको अपने स्टेटस और नौशीन के बिजनेस से प्यार है? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। देखो आयशा, मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि तुम मेरी बीवी हो और फिजा मेरी बेटी है। और तुम तो मुझे तलाक दे रही थी ना, दे रही थी या नहीं? लेकिन मैंने तुम्हें रोका। क्यों? क्योंकि मैं आज भी तुम्हें चाहता हूं। तो फिर अभी जाके नौशीन को सब कुछ बता दे। डरते क्यों? मैं किसी से नहीं डरता। ये डर नहीं है तो और क्या है दानियाल? अगर आप नहीं बता सकते तो मैं नौशीन को जाके सब कुछ बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अभी तक जाग रही हो? कितनी कॉल्स की मैंने आपको, एक बार भी आपने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। कहीं ना कहीं मुझे कॉल बैक ही कर लेते आप। कहा तो मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना, मैं हॉस्पिटल में था, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे वहां पर। क्यों झूठ बोल रहे हैं मुझसे आप? किन चक्रों में पड़ गए हैं आप? आखिर क्या मसला है मुझे बताइए। मैं बीवी हूं आपकी, मुझसे शेयर करें आप। नौशीन, जरूरी नहीं है कि तुम हर बात जानो। इंसान की जिंदगी के बहुत रुख होते हैं। आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी शरीके हयात हूं। हाँ हो तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही। नौशीन, लिसन टू मी। हेलो। हाँ, रिजा की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर। तुमने मेडिसिन स्टार्ट की? जी दे दी थी। हाँ, तो चार दिन तक देना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक। अच्छा आयशा जी,
नाराज हो मुझसे? नहीं। खाने में क्या बनाया? नहीं, फिजा की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कुछ बनाने का। ठीक है, मैं फिर एक काम करता हूँ, बाहर से कुछ ले आता हूँ, फिर हम साथ में लंच करते हैं। ठीक है। दानियाल, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो एक काम से बाहर जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हें कुछ काम था? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही पूछा। अच्छा, वो उस प्रोजेक्ट की कोटेशन का क्या हुआ? हो जाएगा, यू डोंट वरी। ठीक है, मैं चलता हूँ। सी यू। सी यू। आप वाकई बिजनेस टूर पे जा रहे हैं? ऑफ कोर्स आयशा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारे फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अपना हक मांग रही हूँ, भीख नहीं मांग रही। अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन के लूंगी। छीन लूंगी मतलब? मैं नौशीन को जाके सब कुछ बताऊंगी। आयशा देख, फिजा सो रही है? जी। बैठो। नहीं, भूख नहीं है मुझे। What do you mean भूख नहीं है? ये सब मैं अपने लिए तो नहीं लाया ना। बैठो। दानियाल, मुझे वाकई भूख नहीं है। मेरे साथ खा लो, दिल चाहने लगेगा और भूख भी लग जाएगी। खाओ। दानियाल आजकल बहुत स्ट्रेंज हो गए हैं। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ही वॉन्ट शेयर। इट्स नॉट अ गुड साइन। ये तो बहुत परेशानी की बात है। मैं भी इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। चले, आप फिक्र ना करें, यू कैन ट्रस्ट मी। मुझे आप एक वीक का टाइम दीजिए। आप यही चाहती हैं ना कि उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, मैं आपको बताऊँ? तो इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल अपडेट करता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल बेफिक्र है, आई एम विद यू। चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। आयशा, मैं 15 दिन के लिए बिजनेस टूर पे जा रहा हूँ। 15 दिन? वो भी अचानक? क्यों दानियाल? अचानक नहीं, कंपनी की तरफ से जा रहा हूँ, तो बस 2 दिन में जाना पड़ेगा। आयशा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे बिजनेस भी तो संभालना है और उसके लिए मुल्क से बाहर जाना है। और मैं जो अकेले हो जाती हूँ पीछे? आयशा, सिर्फ 15 दिन की तो बात है और मैं तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ। इट्स जस्ट अ बिजनेस टूर। और वैसे भी तुम्हारे पास अब मोबाइल है, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो, मैसेज कर सकती हो। ठीक है? ठीक। गुड। दानियाल, आप वाकई बिजनेस टूर पे जा रहे हैं? ऑफ कोर्स आयशा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा ही रख लो। दानियाल, इतने सारे पैसों का क्या करूंगी मैं? काम आएंगे, रख लो। अच्छा आयशा, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है। वो मैं सोच रहा था कि तुम्हें गाड़ी लेकर देता हूँ। तुम्हें कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है ना? मुझे ड्राइविंग कहाँ आती है? हाँ तो मैं तुम्हें ड्राइवर भी दे दूंगा,
ताकि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक, तब मैं चलता हूँ, तो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। हाफिज़। वालेकुम सलाम। नासरा नाम है मेरा, आपके पड़ोस में रहती हूँ। मेरा नाम आयशा। ये बेटी है ना आपकी? जी। मैं काफी दिनों से सोच रही थी आपसे मिलूं। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, बस घर का कुछ सामान लेने जा रही थी। आप आइए ना। नहीं नहीं, आप जाएं। मैंने आपको देखा, सोचा सलाम दुआ कर लूं। बहुत अच्छा किया आपने। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछे। वो जो आपके घर में आते हैं, वो आपके शौहर हैं क्या? वो मेरे शौहर हैं और ये हमारी बेटी है। अगर शौहर हैं, तो आपके साथ क्यों नहीं रहते? देखिए, आप अपने काम से काम रखें। यहाँ कौन आता है, कौन जाता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बढ़िया इंग्लिश बोलने वाले। मैं अंदर आ सकती हूँ? कम ऑन, इट्स लंच टाइम, क्यों ना बाहर चल के लंच करें? नौशीन, मेरा मूड नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका मूड नहीं। आप शराफत से मान जाएंगे या मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी? उठे चले। अच्छा, लैपटॉप ओपन करते हैं। गुड। हमारे फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम लेकर आता हूँ। हाँ ईशा, कैसी हो? मेरी तबीयत को छोड़ें, ये बताएं कि आप कहाँ हैं? मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। आपने तो कहा था कि आप ऑफिस के काम से आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नौशीन के साथ देखा है। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं कल ही यूरोप टूर से वापस आया। दानियाल बस कर दे, और कितने झूठ बोलेंगे मुझसे। अच्छा मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हर झूठ के बाद आप यही कहते हैं कि मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा। कैसे यकीन करूं मैं आपका? पता नहीं आप गए भी थे या नहीं। किस तरह की बातें करती हो तुम? अगर मैं यूरोप टूर से जल्दी आ गया और तुम्हें बताना भूल गया तो कौन सी कयामत आ गई है? कयामत आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी। आयशा, हेलो, हेलो। पंद्रह दिन का बहाना करके आपने मशीन के साथ आराम से दिन गुजारे होंगे। तुम्हें तो मेरी किसी बात पर भी भरोसा नहीं रहा। ये भरोसा भी आपने ही तोड़ा। तंग आ गई हूँ आपके हीले बहानों से मैं। मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे तुम्हारे हक की बहुत भारी कीमत अदा करनी होगी। मुझे थोड़ा सा वक्त, मैं नौशीन को सब कुछ बता दूंगा। और कितना वक्त चाहिए आपको? एक बार फैसला कर लें कि आपको करना क्या है। मैं फैसला ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का? जो कुछ आपको कल करना है वो आज ही कर दें। आयशा, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं नौशीन और उसके पेरेंट्स को सब कुछ बता दूंगा। आप बता दें तो बेहतर होगा, वरना मैं खुद बता दूं तो आस पड़ोस के लोग भी मुझे शक की नजरों से देखने लगे। खुद बताएं मैं उनके बेहुदा सवालों का क्या जवाब दूं?
किसी ने कुछ कहा तुमसे? उस दिन वो पड़ोसन मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं वाकई शादीशुदा हूँ और आप मेरे शौहर हैं। उसकी इतनी हिम्मत तुमसे ये बात करने की? उसकी हिम्मत को छोड़े दानियाल, मैं तंग आ गई, मुझे मेरा शौहर चाहिए। तुम भूल रही हो कि नौशीन भी मेरी बीवी है। तो फिर जाके नौशीन को सब कुछ बता दो। हफ्ते में 3 दिन मेरे पास रुका करो, अपनी बेटी के पास, उसे जरूरत है आपकी। खुदा के लिए आयशा, बस कर दो, सरदर्द बन गया मेरे लिए ये सब। अपना हक मांग रही हूँ, भीख नहीं मांग रही। अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन के ले। छीन लूंगी मतलब? मैं नौशीन को जाके सब कुछ बता दूंगी, जो भी अंजाम होगा ना उसके जिम्मेदार आप होंगे। आयशा देख, बेटा तुम दोनों का गुस्सा खत्म हो गया? जी मम्मी, अब सब ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है। मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि दानियाल को बच्चे की कमी बहुत महसूस होती है। हो सकता है, लेकिन इसमें इंसान क्या कर सकता है बेटा, ये तो खुदा की मर्जी है, जब चाहे औलाद से नवाज दे। मम्मी एक बात पूछूं आपसे, जिन मियाँ बीवी के यहाँ औलाद नहीं होती क्या वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। तुम क्यों इस तरह से उल्टा सीधा सोच रही हो? दानियाल तुम्हें बहुत चाहता है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें छोड़ देगा। ठीक कह रही हैं आप, दानियाल वाकई में से बहुत प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारी ज़रा सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो उसकी शक्ल पर परेशानी दिखाई देती है। ये बात तो सच है, दानियाल वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि दानियाल इस घर में अनकंफर्टेबल हो? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी दानियाल को, अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझसे जरूर डिस्कस करते। लेकिन बेटा पूछने में क्या हर्ज है? अच्छा यू डोंट वरी, मैं पूछ लूंगी। पता है आयशा आई थी, आयशा का शौहर मिल गया है और आयशा को पूरा यकीन कि उसके शौहर ने ना दूसरी शादी कर ली। कहीं अगली बार आयशा ने नौशीन को सब कुछ बता दिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी को धमकाना है या उठवाना है? काम इससे बड़ा है। किसी को मरवाना है क्या? हाँ, कत्ल करवा। क्यों गई थी वहां पर? समझी नहीं आप क्या कह रहे। तुम अच्छी तरह जानती हो आयशा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। दानियाल आहिस्ता बात करें, फिजा घबरा जाती। बताओ मुझे क्यों गई थी वहां पर? मैं नौशीन से मिलने गई थी, समझ गए आप? क्यों गई थी तुम नौशीन से मिलने? हाँ आप क्यों डर रहे? आयशा मैं डर नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वक्त आएगा मैं नौशीन को सब कुछ बता दूंगा। दानियाल अभी तो सिर्फ मिलने गई थी, अब अगर गई ना तो आपका असली चेहरा दिखा के आऊं, जिसे आपने दुनिया से छुपा के रखा हुआ। तुम मुझे धमकी दे रही हो? आप उसे जो भी समझो। दानियाल आपको पता है आयशा आई थी। क्यों आई थी? ऐसी मुझसे मिलने के लिए। और हाँ आयशा का शौहर मिल गया है। What? और आयशा को पूरा यकीन कि उसके शौहर ने ना दूसरी शादी कर ली। दानियाल मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती कि आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा कैसे दे सकता है। अरे किसी के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारने जा रहे हैं और वही शख्स आपको धोखा दे दे, दिस इज रबिश। ठीक है अगर
अगर उसने दूसरी शादी कर भी ली है तो एटलीस्ट उसे बता तो देता ना। कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो जाती, हो गई दूसरी शादी, लेकिन इस तरह से छुपा के रखना और अपनी बीवी को धोखा देना, दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्यूटली रॉन्ग। दानियाल, आपसे एक बात पूछो। हाँ पूछो। क्या कभी आपको ऐसा फील होता है कि हमारा अलग अपना घर होना चाहिए? ये क्या कह रही हो तो? नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप बताइए ना। अंकल आंटी ने कुछ कहा तुमसे? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने तौर पे पूछ रही थी, जस्ट रिलैक्स। अब चाय पियेंगे आप? हाँ तुम बनवा दो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। मैंने क्या किया? ये मुसलसल मेरे लिए खतरा बनी हुई है, क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं अगली बार आयशा ने नौशीन को सब कुछ बता दिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरी लाइफ जीरो पे आ जाएगी। लेकिन फिजा को क्या करूंगा, इस मासूम का क्या कसूर है, आयशा के बाद इसे कौन संभालेगा? दानियाल? हाँ? क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं, इसके नहाने का टाइम हो गया, ऐसे नहला के ले आते, आ जाओ। ठीक है। दानियाल साहब, कैसे याद किया मुझ गरीब को? मेरी आज तुमसे मुलाकात हो सकती है? वो जो क्लिफ्टन पे? हाँ वहीं पर, रात में ठीक 8 बजे तो मुझे वहां पर मिलो। अरे कोई अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे बताएं, मैं ऑफिस आ जाता हूँ। नहीं ऑफिस नहीं, मुझे बाहर ही मिलना है। अच्छा जो को ओके। क्या करूं साहब, लड़की बहुत चल रही है, जमाल ने भी काम दिया था, उसके बाद उसने भी काम देना छोड़ दिया। काम करने वाले बंदे हो और फिर भी परेशान? अरे तो काम वाला बंदा हूं, इसीलिए तो आपने खुद बुलाया है। ये भी ठीक। अच्छा क्या लोगे? कुछ भी मंगवा लो। वेटर, एक काम कर, ये दो चार दिन तो गुजर जाएंगे। मुनीर मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अरे तो हुक्म करो, किसी को धमकाना है या उठवाना है? नहीं काम, काम इससे बड़ा है। अरे किसी की हड्डियां तोड़वानी है तो अभी बता दो, 2 की 4 कर दूंगा, 4 की 8। काम से बोलो, क्या हो गया तुम्हें? काम इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। किसी को मरवाना है क्या? हाँ कत्ल करवा। कत्ल?
तोशी को भेजेगा प्लीज। जी पापा। हाँ बैठो बैठो। क्या हो गया बेटा तुम्हें? ये देखो, ये कोटेशन तुम्हारी तरफ से क्लाइंट को फैक्स हुई है ना। माय गॉड पापा, आई एम सॉरी। किसने बनाई बेटा ये? वो एक्चुअली मेरी सेक्रेटरी काफी दिनों से छुट्टियों पर है, मैंने कहा भी था उसे, फिर भी। बेटा, क्लाइंट को फॉरवर्ड करने से पहले एक दफा देख तो लिया। I'm really sorry, Papa. I'll make sure कि next time मैं आपको जरूर CC करूँ। हाँ, वो तुमने secretary को phone किया, क्यों नहीं आ रही office में? Papa, मुझे लगता है कि she doesn't want to work anymore. वो काम करना ही नहीं चाहती है। It's okay, no problem, बेटा. Let her go. तुम ऐसा करो कि नई secretary appoint करो, okay? ठीक है, मैं यही सोच रही थी। मैं किसी newspaper में ad दे देती हूँ। हाँ, एक second. तुम रहना। मैं HR से कह रहा था कि वो वॉक इन इंटरव्यू रख ले, बाद में तुम देख लेना। ओके। इट्स ओके बेटा। रोशी बेटा, अगर तुम थक गई हो और रेस्ट करना चाहती हो तो दानियल के साथ कहीं हिल स्टेशन चली जाओ, एब्रॉड चली जाओ। मैं यहीं पर ठीक, आई एम ओके हियर। आर यू श्योर? यस, एब्सोल्युटली। अब पापा, मैं इसे रिकॉर्ड करती हूँ और मैं डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं आपको CC भी करूँ। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, लेकिन बड़े काम के बड़े पैसे होंगे। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। डन। 10 लाख रुपए डन, लेकिन काम हो जाएगा ना मेरा? क्या हुआ तुम्हें? तब सोच क्यों रहे? देखो, मुझे यकीन है कि काम तुम कर सकते हो। मैं बंदा देखकर कीमत लगाता हूं। वो तो मैं कर सकता हूं, लेकिन काम बहुत बड़ा है ना, इसलिए मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, टेक योर टाइम। तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए ना, अच्छी तरह सोचकर मुझे बता दे, क्योंकि रकम बहुत बड़ी है। 10 लाख। अगर आयशा यहाँ होती ना तो वो तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती, लेकिन आयशा का एटीट्यूड दानियाल के साथ बहुत स्ट्रेंज हो गया था। आयशा का एटीट्यूड स्ट्रेंज हो गया था या दानियाल का? क्यों? हाँ मुनीर, बोलो। काम हो जाएगा। वेरी गुड। अगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? क्यों मिली ये सजा? मम्मी, आई वॉज शॉक्ड जब पापा ने मुझे वो कोटेशन दिखाई। मैं तो बहुत एम्बेरस हुई। मैंने कभी जिंदगी में भी इतनी बड़ी गलती नहीं की होगी। मैं तो बहुत कंसर्न होती हूँ अपने काम के मामले में। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ये सब उस सेक्रेटरी की वजह से हुआ है। क्यों? क्या उसने कोटेशन बनाई थी? मम्मी, अगर वो कोटेशन बनाती तो फंबल कोटेशन बनती ही नहीं। मसला ये है कि वो आ ही नहीं रही, तो बहुत परेशान आ चुकी हूँ। अगर आयशा यहाँ होती ना तो वो तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन कर लेती। मैंने तो आयशा से कहा था, लेकिन आयशा का एटीट्यूड दानियाल के साथ बहुत स्ट्रेंज हो गया था और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही। आयशा का एटीट्यूड स्ट्रेंज हो गया था या दानियाल का? क्यों? आपको दानियाल का स्ट्रेंज लगा क्या?
बेटा, ये मर्द पे ना कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं मम्मी, डैनियल मेरे साथ बहुत लॉयल, वो बस सिंसियर है मेरे साथ, उसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सिर्फ उस आयशा की वजह से हुआ, पता नहीं वो क्या चाहती थी। एनीवे, मैंने दानियाल को कुछ नहीं कहा, मैं तो ऐसी बात कर रही थी। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि आप पापा और आपने दानियाल में कुछ स्ट्रेंज एटीट्यूड देखा है? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा को बिजनेस से इतनी फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो ये सब चीजें देखें। अच्छा ठीक है। कतल? नहीं नहीं लाले, कतल कतल के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो रही सही जिंदगी की भी बैंड बचाएगी यार। अबे डर क्यों रहा है? पैसे सुनेगा ना तो खुशी से उछल पड़ेगा। अच्छा कितने पैसे मिल रहे? 10 लाख। 10 लाख? मैं मुंह बंद कर। लाले मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी बन जाएगी यार। अबे ऐसे नहीं बनेगी, बंदा मारना पड़ेगा, मारेगा। मारेंगे यार, उसके बाद दुबई भाग जाएंगे, फिर वहां जाके खूब अय्याशी करेंगे। मैं भी यही सोचा, कत्ल करने के बाद यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। ये बड़े लोगों का तो कुछ नहीं जाता, फंसते हम जैसे चिंदी चोर हैं। अच्छा एक काम कर, तू एडवांस पकड़ ले, फिर हम पासपोर्ट बनवा लेंगे, फिर जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा फुल पेमेंट पकड़ के भाग जाएंगे यहाँ से 9-2-11। यार सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन एक बात है, ये बड़े लोग सूट बूट पहनने वाले, ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहने वाले, ये तो हमसे भी छोटे लोग होते हैं यार। अबे हम तो किसी को डरा धमका के कुछ पैसे निट लेते हैं, लेकिन ये लोग तो बंदा ही मरवा देते हैं। अबे लाले छोड़ इन तमाम बातों को, तू सिर्फ एडवांस पकड़ और पासपोर्ट बनाने की तैयारी कर, फिर उसके बाद हम ये काम भी कर लेंगे। तू फोन मिला। हाँ मुनीर बोलो। मुझे मंजूर है, काम हो जाएगा। वेरी गुड। अगर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? दानियाल, ये मेरी नई सेक्रेटरी हैं, मिस शाइना, और शाइना ही इज माय हस्बैंड मिस्टर दानियाल। अबे ये देख, आयशा। आयशा को मरवाना चाहता है। तेरे शौहर ने तुझे मारने के लिए मुझे 10 लाख रुपए दिए।